शंकराचार्य आप। अरे भाई हम भी तो सवाल ही कर रहे हैं। अरे पहले जवाब तो दे ले लो यार, एक हुआ नहीं दोबारा मतलब सारे लोग जो जो लोग बीच में टपक रहे हैं वो बीजेपी का एजेंट बनकर आए हैं। आप अपने तो अगर आपको अगर ज्ञान होता तो हमसे पूछते नहीं, अज्ञानी है आप। लोगों का काम ही यही है। आपने कभी मोदी जी से मतलब कि सवाल किया? क्या करने से, मंदिर जाने से, नहीं जाने से देश के विकास पर कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे जिस चीज से देश के विकास पर फर्क पड़ता है उस पर बात करो ना आप लोग। जाने का प्रयास करेंगे और हम देश के जनता को प्रकाश की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हम देश के जनता को शिक्षा की तरफ ले जाना चाहेंगे, प्रकाश की तरफ ले जाना चाहेंगे। और हम पूरे भारत वर्ष के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ। आप कभी मंदिर जाते हैं कि नहीं? पहले मेरा बात खत्म नहीं हुआ। मैं जाता। आप पूजा करते हैं कि नहीं घर में? ये जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं। मैं करता हूँ पूजा और मंदिर भी जाते हैं। मंदिर भी जाता हूँ लेकिन दूसरों का मना करते हैं। भाई मैं शिक्षा के मंदिर में जाता हूँ जिससे देश का विकास होता है, और मैं शिक्षा की देवी का पूजा करता हूँ। पढ़ने मैं अंधविश्वास को नहीं मानता। पूजा करने वाले मंदिर कभी नहीं जाते? मैं पाखंडवाद अंधविश्वास को नहीं मानता हूँ। आज तक कभी नहीं गए किसी मंदिर में? मैं साक्षात देवी देवता को मानता हूँ। आज तक आप किसी मंदिर में कभी नहीं गए? मैं तो बोल तो रहा हूँ, मैं साक्षात देवी देवता को मानता हूँ, और जो इन लोगों ने सवाल पूछा है उसका मैं जवाब। घर में भी आप पूजा नहीं करते? घर में मैं तो बोला मैं पूजा करता हूँ, पूजा का मैं। आपको अगर ज्ञान होता तो हमसे पूछते नहीं, अज्ञानी है आप। आप पूजा करते हैं लेकिन दूसरे को मना करते हैं। आप अज्ञानी हैं। पूजा का अर्थ होता है पूरा जानो और तब मानो, समझ गए? मैं पूरा जान करके। सबसे बड़े जानकार आप शंकराचार्य से भी ज्यादा बड़े जानकार हैं। बुला लीजिए शंकराचार्य को, उनको मतलब बोलिए चर्चा में आ जाए, शास्त्रार्थ करेंगे उन लोगों से। चर्चा में हाँ कर लेंगे शंकराचार्य से। हाँ धमकी दिया जा रहा है। जितने देश में विद्वान लोग हैं सब लोग शास्त्रार्थ करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ सामने देख के, मैं जो अंधविश्वास फैलाने वाले जो लोग चारों शंकराचार्य। चुप रहिए, चुप रहिए आप। अरे वैसे क्यों बोल रहे हैं शंकराचार्य से? आप जो अंधविश्वास करने को तैयार हैं? जो अंधविश्वास फैलाने वाले जो लोग हैं आप शंकराचार्य से तैयार हैं करने? अरे बोलने जो बात खत्म नहीं कर रहे हैं यार। गजब बात किया, उनका सवाल थोड़े कर रहे हैं, सवाल ही कर रहे हैं यार। जवाब हम कभी कंप्लीट नहीं। जो इन लोगों ने सवाल किया है हम भी तो सवाल ही कर रहे हैं। अरे पहले जवाब तो दे ले लो यार, एक हुआ नहीं दोबारा मतलब टपक रहा हूँ। पहले इन्हीं की जवाब हो रही है सर, आराम से बात कीजिए। संयम होकर बोलिए। आप इतने आक्रोश में क्यों आ गए? आप लोगों का काम ही यही है। आपने कभी मोदी जी से मतलब कि सवाल किया कि आपने 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किया था? मैं मंदिर की बात मोदी जी आपने क्यों नहीं पूजा करते हैं? अरे आपने किया उसे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। करने से, मंदिर जाने से, नहीं जाने से देश के विकास पर कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे जिस चीज से देश के विकास पर फर्क पड़ता है उस पर बात करो ना आप लोग, उस पर तो बात अपने करोगे नहीं। टूरिज्म एयरपोर्ट मिलेगा पहले। आप मेरा बात खत्म, देश के सभी मोहल्ले को हटा देना चाहिए। आप पहले मेरा बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर समझ गए? इन्होंने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? मेरा कहना है कि जिनको अंधविश्वास की तरफ बढ़ना है वो बढ़े, हमें प्रकाश की तरफ जाना है। और हम पूरे भारत वर्ष के देशवासियों से, आपके नेता भी तिरुपति गए थे, पूरे भारत के वहाँ जाते हैं हरियाणा मंदिर क्यों जाते हैं ये बताइए ना। आप मना करते हैं, आप अपने नेता को मना क्यों नहीं करते हैं? आप लोग बोलने देंगे तब न बोलेंगे? आप अपने नेता लालू यादव मना क्यों नहीं करते? सारे लोग जो जो लोग बीच में टपक रहे हैं वो बीजेपी का एजेंट बनकर आए हैं क्या? आप अपने नेता को मना क्यों करते हैं? आप बीजेपी से पूछो ना, लालू जी गए थे तिरुपति, बीजेपी से पूछो ना। आपने कभी उनको मना किया? सवाल ये है कि आप कह रहे हैं आप पहले भी तो मंदिर जाते हैं, पहले आप पहले लालू जी के आवास में शिव मंदिर है। आप कंप्लीट कीजिए, पता है आपको 10 करोड़ में शिव मंदिर है क्यों है? मंदिर से एक बात बताओ, अभी तो बोले मंदिर में, मंदिर से कितने IAS निकलेंगे, कितने IPS निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने मंदिर तो सर अपनी आस्था का प्रतीक है ना सर, हमारे और हमारे देवता के बीच में आवास में मंदिर को बोल रहा हूँ। जिसको जिन चीज में आस्था है उस चीज में आस्था रखे। हमारा आस्था जो है वो शिक्षा के मंदिरों में है, हम शिक्षा के मंदिर में आस्था रखते हैं। और मैं पूरे देशवासियों से
मैं आग्रह करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि 22 जनवरी को पूरे देशवासी और प्लस जो हमारा बिहार सरकार लाखों पुजारियों को जो नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, जो शिक्षा के मंदिर का पुजारी है, उस सभी पुजारियों से मैं आग्रह करता हूँ कि 22 जनवरी को सभी शिक्षा के मंदिरों में मोमबत्ती जलाकर प्रकाशित करने का काम करेंगे। हमारा हम चाहते हैं कि पूरे देशवासी शिक्षा के मंदिर को प्रकाशित करें और शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। जो बात सावित्री बाई बाई भाई फूले ने कहा है, वही बात ज्योतिबा राव फूले ने कहा है, वही बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मुड़ेगा, उस दिन भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं पूरे भारतवासी से आह्वान करता हूँ कि 22 जनवरी को एक कदम भारत को महान बनाने की तरफ पूरे देश के विद्यालयों में मोमबत्ती जलाकर उजाला कर दो देशवासी। और मैं कहता हूँ जिस दिन पूरे देश के विद्यालयों में उजाला हो गया, भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।